अस्सलाम वालेकुम। और फिलहाल अभी हम जा रहे हैं सब नमाज पढ़ने, ठीक है। ये कोई मस्जिद है? सेंट्रल मस्जिद गुलशन में एक मस्जिद है, सेंट्रल मस्जिद। इंशाल्लाह वहाँ जा रहे हैं नमाज पढ़ने, आप सभी को अपडेट देते रहेंगे। और आज डेट तो आज तो समझ दावत तोड़ेगा बस इंशाल्लाह। दावत आज हमने भी कुछ बनाया, इंशाल्लाह आपको जरूर दिखाएंगे, सब चीजें दिखाएंगे सब। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे सादिक भाई हैं, ये तुम्हारा भाई तुम्हारा। चलिए और अब हम जा रहे हैं सेंट्रल मस्जिद ढाका गुलशन के अंदर। हां वहां जा रहे हैं, इंशाल्लाह आपको सब अपडेट देते रहेंगे। और ये हमारी कुछ लोग, ये हमारे अंशद भाई और वहाँ पे इरशाद भाई, गुलशन सेंट्रल बस ये वाला। हाँ यही यही, फिर यही हम सब यही रुके हैं अभी, मतलब हम चार लोग रुके हैं हमारे बैच से और दो तीन कश्मीरी रुके, तो आगे आपको बताते रहेंगे। तो ये हम ऊबर में बैठ चुके हैं हम सारे, बैठी ना कम से कम लास्ट में मिला, और हम बड़ी मुश्किल से ऊबर मिली क्योंकि सभी नमाज का टाइम। और अभी हम जा रहे हैं कंटेनमेंट से गुलशन की तरफ। गुलशन एक अच्छा मतलब एरिया है, वीआईपी इलाका है बांग्लादेश का। फिलहाल हम कंटेनमेंट में हैं और अभी नमाज पढ़ेंगे। 7:30 बजे है, 8:30 बजे है, 8:30 बजे है, यहाँ पे काफी सारी ट्रिप होती है, वही आधे आधे घंटे के गैप में। तो फिर इंशाल्लाह अभी हमने सोचा है कि 7:30 बजे वाली नमाज पढ़ेंगे। और हम ही फिलहाल चार जने जा रहे हैं नमाज पढ़ने हमारे बैच से, और भी लोग हैं, दो तीन लोग और बचे। और फिलहाल तो हमें अभी तो फिलहाल कुछ अच्छा लग नहीं रहा है, घर की ईद तो नहीं है ये। और जैसे हम पहले भी रुके थे यहाँ पे, वो हम ईद उल अजहा पे रुके थे, बकरीद पे, और अब तो ईद उल फितर है। हमने सोचा कि ये भी एक्सपीरियंस कर लेते हैं, क्योंकि हम घर इसलिए नहीं गए क्योंकि अभी 2 महीने पहले हम घर से आए थे। बार बार ऐसे घर वालों को परेशान नहीं करा जाता जल्दी जल्दी जाके। तुम क्यों घर नहीं गए रोहतक भाई, आप क्यों घर नहीं गए भाई? मैं तो इसलिए नहीं गया क्योंकि मैं तो अभी आया था, दोनों भाई साथ में तो आए थे। और बजट बहुत ज्यादा है, बजट बहुत ज्यादा है, 18,000 हो गया हमारे घर से एक एक ट्रिप। ये बेचारा बहुत दूर रहता ना केरला में, और समत का मन नहीं करता पैसे खर्च करने का, वो इस चक्कर में। बिल्कुल सही बात, सही। इरशाद भाई आप क्यों नहीं गए और इंशाल्लाह वो रूम पे जाके हम कुछ मीठा करेंगे मुंह अपना। और मुजफ्फर भाई ने कस्टर्ड बनाया है, और ये दोनों ने कुछ नहीं बनाया है, यहाँ पे मुंह चला रहे हैं अपना। एक चीज यहाँ पे मुंह चला रहे हैं अपना। इन्होंने कल के खाने का क्या चिंता, भाई ये भाई पूरी रात सोया, सारी मेहनत मेरी है इरशाद की जी। आप दिखाएंगे इनकी मेहनत, हमारी मेहनत देखोगे, मेहनत दिखाएंगे। तो इंशाल्लाह फिर आप सबको अभी मस्जिद में दिखाएंगे कैसी होती है। और मस्जिद अच्छी है हमने सुना है, को दिक्कत नहीं। और बाकी फिलहाल देखते हैं, अभी तो फिलहाल घर जैसा कुछ फील आ नहीं रहा है। अभी दिखाते हैं थोड़ा गुलशन बाहर से। ये मतलब क्या बोले अब हम कैसे, और यही दोपहर होते ना, भीड़ नहीं है यहाँ पे, मतलब इंडिया वाला फील तो नहीं आ रहा है। कह रहा मैं कंपेयर नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ भाई, एक इंडिया से हम एक उसको अपना कंपैरिजन में अच्छा लगा। अच्छा रोड खाली देख के अच्छा लग रहा है इरशाद भाई, क्योंकि जब भी आते हैं पैर रखने की जगह नहीं होती है। ये तो पहले बार है भाई, बहुत ज्यादा पहली बार हम खाली, कोई आप ही नहीं है, हम ही है बस, हम ही है इस वक्त।
जी हम आपके लिए इंशाल्लाह जरूर दुआ करेंगे, जितने भी नीट वाले हैं उन सबको ऑल द बेस्ट, सबको ऑल द बेस्ट और नीट अच्छे से दो। नीट का एग्जाम कब है? नीट का एग्जाम है पता नहीं कितने भाई, सात मई में आप सभी को मई में, सात मई में ऑल द बेस्ट, पांच मई थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करो अपनी पढ़ाई पे, जितना हो सके पढ़ाई करो, नमाज पढ़ते ही पढ़ने, नमाज बेशक नमाज भी पढ़े, नमाज पढ़ते ही पढ़ने बैठो, हाँ बस चार पांच टाइम की नमाज पढ़ो पढ़ने बैठो, और जो मतलब अगर आप मुस्लिम नहीं है तो फिर पूजा करो और याद करो और पढ़ने बैठिए, ठीक है हमारे लिए दुआ करिए, अपने लिए दुआ करिए, अपनी फैमिली के लिए दुआ करिए और खुश रहिए, बेहैप्पी कोई दिक्कत नहीं है, फेल हो गए तो बांग्लादेश तो है ही हमारी तरह, ये गंदा था, वी आर फेलियर, ये नहीं बोलना था, वी आर फेलियर, ये बहुत गंदा था भाई, ये बहुत गंदा था, ये तो वीडियो मत करो भाई। और हम पहुंच चुके हैं, हम मस्जिद दिखाएंगे अंदर से कैसी मस्जिद, ये तो बहुत बड़ी लग रही है माशाल्लाह, मस्जिद तो बड़ी है भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकात, हाँ सामने का देखो, सामने मस्जिद, अब हम दिखाते हैं आपको मस्जिद, देखिए कितनी बड़ी है, तो आप सभी को हमारी तरफ से ईद मुबारक, अभी हमने नमाज पढ़ ली है, ईद मुबारक भाई लोग, ईद मुबारक, अभी हमने नमाज पढ़ ली है और हम जा रहे हैं हॉस्टल की तरफ, थोड़ा यहाँ पे फोटो वोटो शूट करेंगे और सभी को ईद मुबारक, सबको ईद मुबारक, ईद मुबारक सबको, बोलो मुबारक भाई, आप सभी को ईद मुबारक हम सबकी तरफ से, इंशाल्लाह आपकी ईद बहुत अच्छी जाए, कहाँ जाए भाई, मतलब ईद अच्छी गुजरे। सेल्फी ले भाई, तो अब हम वापस जा रहे हैं हॉस्टल में, अभी खा रहा, अभी खाएंगे सिर्फ, बहुत भूख लग रही है, और अभी तो अभी हमारा हो गया है फोटोशूट जो भी है, अभी तो सोएगा ये आदमी, तो सो, अभी तो हम सोएंगे इंशाल्लाह घर पे जाके, हॉस्टल में जाके सोएंगे वापस, अभी फिर 10 दिन बाद फिर से कॉलेज, डिप्रेशन टेंशन आइटम एग्जाम टर्म, ठीक है अभी बताएंगे कैसे कैसे, हमारा एक दोस्त है उसने भी दावत में जाना है दोपहर में, इंशाल्लाह उसके यहाँ जाएंगे, दावत में भी जाना है और आपको सब दिखाएंगे इंशाल्लाह, क्या ढूंढ रहा बेल्ट, और ये हम यहाँ पे पहुँच गए हैं, पहुँचना है जा रहे हैं ऊबर में, वापस हॉस्टल जा रहे हैं अपने इंशाल्लाह, अब हम आपको दिखाएंगे हम क्या क्या मतलब आज हमने क्या बनाया है और क्या खिलाएंगे आपको, और इनसे बेल्टिंग लग रही है इरशाद वैसे ऐसे ही लगाऊंगा भाई, अब ऐसे थोड़ी लगाऊंगा, ऐसे ही ऐसे लगेगा उस साइड से, ये इरशाद भाई ने बेल्ट लगाई है अपनी भाई, ऐसे ही लगेगा इरशाद भाई ने इसमें नहीं लगाया है और इसको पहन रहे ऐसे रख लो, ये कंटेनमेंट पे है भाई, इधर से एक बार आया ठीक है, तो मेरा ऊबर ड्राइवर बोला ये राजू सेक्शन 3AC ऐसा बोल रहा है, उधर जाके बोला वो बोल रहे स्टाइल तुम कहाँ से हो, वो बंदा क्या है उसको बंदा को कॉल किया फिर बचाया भाई, एक बार मैं आया मुझसे ऑटो वाले ने बोला कि वो परिचय दे दोगे, मैंने हाँ परिचय क्यों नहीं दे पाएंगे दे देंगे, तो लेकर आया फिर मेरे को यहाँ पे खड़ा कर दिया उसने, मेरे को कह रहा दो परिचय अस्सलाम वालेकुम, मैंने वालेकुम अस्सलाम, गार्ड से वो वहां पे फौजी खड़ा है भाई उससे मैं कह रहा हूँ वालेकुम अस्सलाम, कहाँ जाएंगे मेरे को कोताही जाओ, अमी मार्क्स मेडिकल कॉलेज, कैनो कैनो क्या हुआ स्टूडेंट है, मैंने बोला स्टूडेंट यहाँ से ऐसे जाए इसी भी छत्ते से घूम के जाए, ठीक है ऑटो वाला कह रहा भाई 50 रुपए ज्यादा देना भाई, तुम्हें तुमने जब नहीं आता है बोलना मुझसे बोल देते, मैं खुद बोल देता जो बोलना है, क्यों ओवर स्मार्ट बन रहे, छोड़ भाई, तो भाई हम आबिर के यहाँ जाएंगे इंशाल्लाह, आबिर से पहले पूछ लेंगे खाने में क्या क्या है,
अगर उन्होंने दाल मतलब वो सॉरी दाल तो नहीं चाय और चाल बात हाँ। चावल और चिकन चावल चिकन तो होना ही चाहिए एटलीस्ट दूध चाय सेवई दूध चाय सेवई खिला के बेच दिया तो पैसा पैसे तो हमारा किराया हमारे देख लीजिए आप यहाँ पे 600 किराया लगेगा और खाना मिलेगा 100 का और रात से भूखे हैं आबिर भाई हमने खाना भी नहीं बनाया है अगर सही में आबिर ने वो चाय वे दे दी भाई तो उसकी तो बेइज्जती हो जाएगी व्लॉग में तो इंशाल्लाह आबिर बढ़िया बंदा है इंशाल्लाह तो डालेंगे भाई अंशद अपने ये देखो जिम गए अंशद अपने डाइट बताओ बंदर बंदर क्यों चपाती इडली दोश मुट्टेपम वेलपम करी में मिलेगा करी तो क्या क्या मिलेगा अंडा करी बजी करी फिर सांबर 3 hours later अस्सलाम वालेकुम और हम वापस आ चुके हैं अपने व्लॉग को कंटिन्यू करते हुए हम जा रहे हैं मिस्टर आबिर के घर पे जो हमारा बांग्लादेशी बैचमेट है जबरदस्ती नहीं जा रहे उसने हमें पहले इनवाइट किया था ऐसा कुछ नहीं कि हम जबरदस्ती जा रहे भाई हमारा ब्रदर है ब्रदर इसने जबरदस्ती दावत ली है मैंने नहीं ली भाई अगर ली भी है तो इरशाद ने ली मैंने मैंने तो मना जबरदस्ती की दावत नहीं जबरदस्ती की कोई दावत नहीं भाई जान मैंने तो उससे बोला था भाई अगर आपका मन हो तो बुलाना नहीं हो तो भी बुलाना भाई सुबह से बंदे ने खाना मेरा बनाया इस चक्कर में खाना क्यों बनाएंगे भाई जब ईद है तो दूसरों के घर जाके खाएंगे इंशाल्लाह इंटेंशन वही है भाई ये देखो इसकी प्लानिंग देखो ये कह रहा था सुबह नहीं जाएंगे उसके घर पे क्योंकि खाना नहीं मिलेगा 12 बजे जाएंगे ताकि खाना के साथ नाश्ते के साथ खाना भी मिल जाए झूठ बोल रहा इसलिए इसलिए हम 12 बजे जा रहे थे प्लानिंग देख रहे प्लानिंग मतलब सुबह नहीं जाएंगे क्योंकि सिर्फ ब्रेकफास्ट मिलेगा हम जाएंगे 12 बजे ताकि खाना हमारे पास मिले इसकी अल्लाह मतलब अल्लाह तो जानते ही जानता क्या अल्लाह जानता है सबके दिलों के राज लेकिन ये बात इसने कही थी एक मिनट अभी क्लियर हो जाएगी ना इरशाद भाई ईमानदारी सर प्लानिंग क्या थी आबिर के घर जाने की समद की प्लानिंग थी 12 बजे जाने की भाई समद भाई ने बोला था समद भाई ने बोला था भाई कि सुबह सुबह उठ के तुरंत भागेंगे नाश्ता भी मिलेगा वहाँ मेरा सुबह का था इसने साले ने 12 बजे जाएंगे वरना सुबह हम नाश्ता भी करते हमने सुबह नाश्ता नहीं खुद लेकिन हमने सुबह माशाल्लाह से अपना जो भी है थोड़ा बहुत बनाया जो हम जितना हम हैसियत थी हमारी बनाने की आपको फोटो वोटो दिखा देंगे जैसा भी बना था और ये मेरा चश्मा अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं इसको नहीं अच्छा लग रहा है वापस लगा देते तो अभी मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें और यूट्यूब को सब्सक्राइब करें इंस्टाग्राम पेज पे आबिर के यहाँ से कहीं ना कहीं जाएंगे जरूर इंशाल्लाह उसके बाद अंशद को लाइए और अभी हम वेट कर रहे हैं अंशद भाई का वो आएंगे देन उसके बाद हम जाएंगे तो देखिए इससे अच्छी मैं आपको दिखाता हूँ बांग्लादेश में मेरे को लगता है कि इससे ज़्यादा रौनक इससे ज़्यादा लोग भीड़ इंडिया में होती है जहाँ पे मैं रहता हूँ दिल्ली में सब जगह होती है ऐसा होता है ना यहाँ पे लोग रहते हैं गाँव से आके बाहर से ईद के मौके पे जो है ना सब जाते हैं अपने अपने गाँव जैसे हमारे बैचमेट हैं उनका क्या है वो यहाँ रहते हैं हॉस्टल में और जैसे ईद का मौका आता है या कोई भी छुट्टी वगैरह होती है तो चले जाते हैं अपने और गाँव ये ठीक है फिर भी तो थोड़ी बहुत रौनक होनी चाहिए आपको दिखाते हैं देखो पूरी गली खाली है लाओ देखिए कर दे चार ही लोग हैं बस पूरे रोड पे बस ये दो छह लोग हैं पूरे रोड तो आखिरकार हमें जबरदस्ती दावत मिली गई है आबिर की लड़ लड़ के दावत ले ही ली हमने आबिर भाई से अंशद भाई की वजह से दावत मिली है लेकिन एक एक छोड़ो मैं उसके बारे में नहीं बोलना चाहता बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा ग्रुप की कथा नहीं बोलनी ठीक है सही लोग ख्वार हुए हैं सुबह चले गए दोपहर में ग्रुप पे भाई बताइए हमारी ईद है अभी शायद 2 या 2 बज रहे हैं हम 3 बज रहे हैं सुबह आए नमाज पढ़ी वापस गए सो गए मिष्टी खाया सोया मिष्टी खाई थोड़ी सो गए अब उठे आबिर भाई ने फोन किया तो अब जा रहे हैं उनके यहाँ पे हमारी नियत यही है कि वहाँ पे मतलब ये सब ना हो मतलब जो भी मिले फिर उसके बाद इंशाल्लाह शाम को कपड़े मतलब कपड़े देखने जाएंगे कर दिया भाई मेन इम्पोर्टेंट है ठीक है भाई,
एक लाके से हो गया भाई। तो अब हम लग रहा है यार पूरा वो हो गया भाई। क्या ट्रेस नहीं हुआ, खत्म हो गया इसका। अब जा रहे हैं भाई मिठाई लेने, मिष्टी लेने आबिर भाई के घर, मतलब घर जा रहे हैं तो फिर सोचे थोड़ी मिठाई ले लेते हैं। देखिए हम यहाँ पे मिठाई ले रहे हैं, यहाँ पे देखिए मिठाई कितनी सस्ती है, दिखाते हैं आप। ये बहुत अच्छी बात है, कितनी सस्ती है। ये वाला 440 कितने है? 1800 रुपए। और ये जो हमने लिया है कितना रुपए के जी? 440 टका। सोचिए मिठाई ले ली है, अब कॉल किया, अब हम जाएंगे। हाँ कर दिया, वो सो रहा था, तो हम जाएंगे देन वहाँ पे जाके बताते हैं हमें क्या क्या मिलेगा खाने में। फिर माशाल्लाह बैठ चुके हैं अंदर रिक्शे में, ऑटो रिक्शा जी, ऑटो रिक्शे में। तो अब हम लेके जा रहे हैं, यहाँ पे बाहर है मेन रोड पे और यहाँ पूरा खाली है, सारा खाली है। सब अल्लाह के दिन की आज ईद है, इससे ज्यादा भीड़ नॉर्मल डेज में होती है। आपको दिखाते बैक कैमरे भाई, नॉर्मल डेज ना कल की बात है, रात को 3 बजे तक सब खुला हुआ था, सब बहुत बहुत भीड़ थी बहुत। और यहाँ हम आबिर भाई का वेट कर रहे हैं अब, क्योंकि हमें रास्ता तो पता नहीं है फिलहाल, देखते हैं आमिर भाई कब तक आते हैं फिर हम बताएंगे। मीरपुर एक पे हम खड़े हैं, आमिर भाई का वेट कर रहे हैं, 5 मिनट में आ रहा है, फिर हम इंशाल्लाह उसके घर जाएंगे। अंजक को बेसब्री से इंतजार है उसके घर जाने का, खाने का, घर वर जाने का इंतजार ना, मुझे भाई घर जाने का मतलब एक मित्र, मुझे भाई घर जाने का है बिल्कुल यार। आदमी दोगला है, दोगला पहली बार हम रुकने, मैं तो बड़ा आभारी हूँ आमिर भाई का। इंशाल्लाह आमिर भाई जब मेरे घर आएंगे उनका फूलों से स्वागत, फूलों से स्वागत, और इंशाल्लाह उनको जरूर बुलाएंगे आबिर भाई को घर पे इंशाल्लाह। अभी हम आबिर भाई को ढूंढते हुए, ये देखो स्कूल की बात कर रहा है, कौन सा साइड पे, ग्रामीण कौन का साइड पे, ये मीरपुर टावर के पास खड़े हैं। और अब हम जा रहे हैं डेल्टा के सामने, अभी आपको डेल्टा कॉलेज दिखाएंगे, माशाल्लाह बहुत अच्छा कॉलेज है। जिसको भी वहाँ एडमिशन लेना है कॉन्टेक्ट करे हमसे, हमसे नहीं मतलब कंसल्टेंट से, हमसे भी कर सकते हैं, हमने करा देंगे ऐसी बात नहीं। ये मस्जिद है माशाल्लाह, कितनी खूबसूरत मस्जिद है। आगे थोड़ा सा डेल्टा है, दूर थोड़ा है। भाई पहुंच गए आखिरकार हम, पैदल चल चल के माशाल्लाह, दावत आ गई, दावत आ गई। ये हमारे आबिर भाई, हमें नहीं पता था ना कहाँ उतरना है। तो ये अब हम आबिर भाई के घर जा रहे हैं, अभी हम हैं अंसार कैंप के, बताया इसकी जगह जा रहे हैं आगे। कैसा लग रहा भाई? बहुत अच्छा लग रहा है, दिल एकदम भाई साहब ऐसा लग रहा है दिल हाथ में आ गया है मेरे। गार्डन गार्डन हो रहा, माशाल्लाह अगर मैं एक बार घर का व्लॉग बनाऊंगा इंशाल्लाह, फिर मैं वहां से ईद वाले दिन हुजैफा के घर भी जाऊंगा, फिर हुजैफा को अपने घर बुलाऊंगा। बकरीद पे आइए, बकरीद पे आएंगे इंशाल्लाह हुजैफा के घर, फिर हुजैफा को बुलाएंगे अपने घर इंशाल्लाह बकरीद पे। तो मैं आपको दिखाऊंगा अपने घर का मतलब दिल्ली की ईद कैसे मनाते हैं, आपको उसको देख के लगेगा कि वो ईद है, ये भी ईद है। पर मैं देख घर की ईद जो ना हर तरफ सेम होती है, समझ ले, सुबह सुबह का मामला होता, नमाज पढ़ के, नमाज पढ़ने के बाद जो मोहल्ले के अंदर जो भाई ग्रुप बना के जो थोड़ी देर एक दूसरे के घरों में घूमते हैं ना, वही मान ले तो 7 बजे से लेके 12 बजे तक वही है बस, बंदा सोते ही सोता पूरे, हम भी सोते ही है घर पे। और जिनकी अगर हो उनकी मोहतरमाए तो वो उनके साथ घूमते हैं। समद भाई की बात ही फिर अलग है, फिर अब मैं कुछ नहीं बोल सकता भाई, हमारी तो एक भी नहीं है भाई। ये भाई का घर
जा रहे हैं माशाल्लाह। घर में रुके, गेट रुके घर में, ये है माशाल्लाह अबीर भाई का घर। ओहो बहुत देर बाद बैठे, ये देखो भाई ये तीनों ब्रदर बैठे हैं लाइन से। ये है महावीर भाई की छत पर है, ठीक है, खाना वाना हमने खा लिया, दिखा दिया आपको कैसा था। पीछे वो आबिर के मामू जान है, उनसे वो कथा बोल रहे हैं। हम यहाँ पे छत पर अपना शूट वूट कर रहे थे, वीडियो वीडियो बनवा रहे थे, तो उसके बाद अपन यहाँ पर आ गए। थोड़ा सा मैंने सोचा व्लॉग भी बना लेते हैं, ये सब क्या रहे चलने की। और हमें बहुत अच्छा लगा आबिर भाई को, खाना माशाल्लाह बहुत अच्छा था। और इन्होंने कांड कर दिया था, डाइनिंग टेबल बैठते मेरे ऊपर पानी गिरा दिया सारा। अरे वो मेरे को इतनी तेज गुस्सा आ रहा था इस पे, गिराया तो मेरा हाथ गलती से, हाथ लग गया था। तो भाई तमीज से खाया करो, इतनी हबड़ दबड़ क्यों होती है आपको बिरयानी खाने की? बिरयानी मतलब बिरयानी खाती, बीफ खाने की। भाई पूरा पानी गिरा दिया मेरे ऊपर, वहां मैं मतलब इतना एम्बेरस हो रहा हूँ, शर्मसार हो गया। और ऐसी जगह पे पानी गिराया मैं बता नहीं सकता आपको, तो समझ जाओ इतना तो समझदार हो। खैर बहुत अच्छा था, अगर मजा आ गया। सर्दी होती है तो दिक्कत होती है, लेकिन गर्मी तो सूख गया जल्दी। ये आबिर की छत हम बैक कैमरे से दिखाएंगे आपको। तो अब हम जा रहे हैं वापस हॉस्टल। हॉस्टल जा रहे हैं? अभी तो थ्री फूड की बात कर रहा था, मतलब हाँ थ्री फूड होते हुए हॉस्टल जाएंगे। मैं तो कुछ नहीं खिला रहा भाई, तो तुमने स्कैम करा दिया मेरे साथ। कौन सा? मिठाई का डिब्बा मेरे से दिलवा दिया। एक मिनट है, गलत बात मत कर, दिमाग खराब करे। अब हम जा रहे हैं भाई अपने हॉस्टल, हम जा रहे हैं अपने हॉस्टल, इंशाल्लाह आपको दिखा देंगे। और अगर आगे कुछ होगा तो इस ब्लॉग में डाल देंगे। वैसे ऑफिशियल ये ब्लॉग हो चुका है खत्म, ना 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 होगा होगा इंशाल्लाह। आप सभी को हमारी तरफ से ईद की बेहद 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 मुबारकबाद। और ईदी ये ईदी ये बंदा जब से ईदी के पीछे का जो सीन है, चाचा से मिल गई दीदी अल्हम्दुलिल्लाह भाई। बस तो क्या टेंशन है, चाचा से मिल गई घर। ये इतना बड़ा बेशरम आदमी है, ये ईदी के चक्कर में ना चाचा को सलाम ना दुआ, डायरेक्ट बोलता है चाचा ईदी। चाचा उधर से बोलते हैं अबे भाई पहले सलाम कर देता, खैरियत ही ले लेता डायरेक्ट ईदी। कोई बात नहीं इंशाल्लाह, ठीक है। आप सबको ईद मुबारक मेरे भाइयों बहनों। ये बढ़िया था भाई जो पहले बोला था, मेरे भाई और उनकी बहनों आप सभी को मेरी तरफ से ईद मुबारक। खुश रहो, बी हैप्पी। और जो बांग्लादेश आ रहे हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।